नमस्कार, मैं डॉक्टर हरीश भल्ला, किस्सा गो स्टोरी टेलर। वैसे तो मैं डॉक्टर हूं, पर मुझे कहानियां सुनाने का बचपन से शौक है। आज मैं आपको सुना रहा हूं बिना का गीत माला की कहानी। लगभग 70 वर्ष पहले भारत के पहले सूचना और प्रसारण मंत्री की एक सनक ने भारतीय श्रोताओं के लिए सबसे प्रतिष्ठित रेडियो कार्यक्रम को जन्म दे दिया। 1952 में पहले आम चुनावों में पंडित नेहरू के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी भारी बहुमत से सत्ता में आई। सूचना और प्रसारण मंत्रालय का कार्यभार संभालने के लिए पंडित नेहरू द्वारा बालकृष्ण विश्वनाथ केसकर को चुना गया। केसकर कुछ विषयों पर मजबूत राय रखने वाले व्यक्ति थे। उनका कार्यकाल कई विवादास्पद निर्णयों के लिए जाना जाता था, जिसमें रेडियो पर क्रिकेट कमेंट्री पर अल्पकालीन प्रतिबंध, साथ ही ऑल इंडिया रेडियो AIR कार्यक्रमों में हारमोनियम के उपयोग पर प्रतिबंध शामिल है। लेकिन केसकर के जिस फैसले ने भविष्य को सबसे ज्यादा प्रभावित किया, वह था उनका आकाशवाणी से फिल्म संगीत पर प्रतिबंध लगाने का फैसला। शास्त्रीय संगीत के प्रति उत्साही केसकर का मानना था कि फिल्म संगीत भारतीय शास्त्रीय संगीत को अपूर्णीय क्षति पहुंचा रहा है। शुरू में आकाशवाणी पर केवल 10% एयर टाइम के लिए फिल्म संगीत को सीमित करने के बाद उन्होंने अंततः ऐसे कदम उठाए जिससे हिंदी फिल्मी गाने आकाशवाणी के लिए अवांछित बन गए। फिल्म उद्योग से काफी सार्वजनिक आक्रोश के साथ साथ विरोध भी हुआ, लेकिन केसकर नहीं माने। केसकर का बैन जल्द ही दूसरी पार्टी के लिए भाग्यवान साबित हो गया। 1925 में स्थापित रेडियो कोलंबो दुनिया का सबसे दूसरा पुराना रेडियो स्टेशन है। वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान यह रेडियो साउथ ईस्ट एशिया कमांड SEAC बन गया। मित्र राष्ट्रों के लिए दक्षिण पूर्व एशिया में फैली सेना को संदेश भेजने का एक प्रभावी साधन। 1948 में जब सिलोन श्रीलंका स्वतंत्र हुआ, तो पूर्व रेडियो SEAC रेडियो सिलोन बन गया, जिसने आधिकारिक तौर पर दिसंबर 1949 में अंग्रेजी, तमिल और हिंदी में कार्यक्रमों के साथ साथ अपनी यात्रा शुरू की और तेजी से लोकप्रियता हासिल कर ली। एक उद्यमी अमेरिकी डेनियल मोलिना ने भारत में एक महान व्यापार का अवसर भांपते हुए रेडियो सिलोन के कार्यक्रमों के लिए प्रायोजकों की भर्ती के लिए 1951 में मुंबई में रेडियो विज्ञापन सेवा नाम की एक कंपनी की स्थापना की। मोलिना ने रेडियो सिलोन की प्रोडक्शन शाखा रेडियो एंटरप्राइजेस प्राइवेट लिमिटेड REPL एवं हामिद सयानी नामक एक आकाशवाणी प्रसारक को इसका नेतृत्व करने के लिए नियुक्त कर दिया। हिंदी फिल्मी गानों के ऑफ एयर हो जाने से रेडियो सिलोन को एक सुनहरा मौका मिल गया था, लेकिन हामिद सयानी को 25 रुपए हर हफ्ते के मामूली बजट पर एक हिंदी फिल्म गीत कार्यक्रम के लिए निर्माता और लेखक नहीं मिल पा रहे थे। आखिरकार उन्होंने अपने छोटे भाई अमीन सयानी को ही साथ रखने का फैसला कर। लगभग इसी समय स्वीडिश कंपनी सीबा ने भारत में अपना टूथपेस्ट ब्रांड बिना का टॉप
लॉन्च किया। अपने ब्रांड को बढ़ावा देने के लिए उन्होंने रेडियो सिलोन पर एक नया हिंदी फिल्म गीत आधारित कार्यक्रम प्रायोजित करने का फैसला किया। इस प्रकार प्रतिष्ठित बिना का गीत माला का जन्म हुआ। अमीन सयानी ने हर बुधवार शाम को प्रसारित होने वाली गीत माला की मेजबानी 1952 और 53 के दौरान कार्यक्रम में उल्टी गिनती का प्रारूप नहीं था, वो 1954 में बदला गया। रैंकिंग रिकॉर्ड बिक्री के साथ साथ फैन पोस्टकार्ड के आधार पर तय की गई थी। बाद में कार्यक्रम वालों को यह पता चलने के बाद यह हटा दिया गया कि कई श्रोता कई प्रविष्टियां भेज रहे हैं। बिना का गीत माला की इतनी लोकप्रियता थी कि केसकर और आकाशवाणी को एक कदम पीछे हटना पड़ा और 1957 में फिल्मी गीतों के प्रसारण के लिए विविध भारती को लॉन्च करना पड़ा। लेकिन यह बिना का गीत माला के उदय को पटरी से नहीं उतार सके। हर बुधवार की शाम पूरा उपमहाद्वीप साउथ एशिया प्रतिष्ठित इन पंक्तियों को सुनने के लिए बेसब्री से इंतजार करता था। जी हां भाइयों और बहनों, मैं हूं आपका दोस्त अमीन सयानी और आप सुन रहे हैं बिना का गीतमाला। गीतमाला और सयानी की शानदार साझेदारी रेडियो सिलोन के साथ 1989 तक जारी रही, जब यह स्थायी रूप से विविध भारती में चला गया। शीर्षक बिनाका से बदलकर सिबाका गीतमाला हो गया। शो ने अपने वफादार दर्शकों को बनाए रखा। आखिरकार गीतमाला का 42 वर्ष का सफर 1994 में खत्म हुआ, लेकिन भारतीयों की कई पीढ़ियों तक गीतमाला हमेशा उनके दिल के करीब रहेगी और अमीन सयानी को नहीं भूल पाई। कैसी लगी आपको बिना का गीतमाला की कहानी, बताइए। नमस्कार।